हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कैंटिलीवर मेथड से। ठीक है, तो ये भी जो फ्रेम है हमारा, इसको हम किससे सॉल्व करेंगे? कैंटिलीवर मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेप वन क्या है हमारा, लोकेशन ऑफ सेंट्रोइडल एक्सिस। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेंट्रोइडल एक्सिस को लोकेट करते हैं कि कहाँ पे ये आएगा हमारा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, AEI इस कॉलम के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, मोमेंट लेंगे। ठीक है, तो इस कॉलम के रिस्पेक्ट में अगर हम मोमेंट लेंगे तो हम मान लेते हैं, सेंट्रोइडल एक्सिस को एक्ज्यूम कर लेते हैं कि वो है हमारा एक्स। ठीक, तो अब हम नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं हमारे, दो हैं, तो टू है, टू इंटू डिस्टेंस हमारी जो इसमें नंबर ऑफ, अब इसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं तो AEI कॉलम पे क्या होगा, डिस्टेंस जीरो होगी, कॉलम दो है इसलिए हम दो से मल्टीप्लाई कर दिए। फिर वैसे ही इसमें नेक्स्ट वाले में भी दो कॉलम है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, सेवन, टू इंटू सेवन हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, फिर नंबर ऑफ टू ही कॉलम है, अब यहाँ से इसकी डिस्टेंस टोटल कितनी हो जाएगी, सेवन और प्लस 3.5 कितनी हो जाएगी, 10.5। फिर प्लस टू इंटू सेवन, फाइव ट्वेल्व, थ्री 15.5। तो ये क्या हो गई हमारी टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ कॉलम। तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, टू, फोर, सिक्स एंड एट, टोटल नंबर ऑफ कॉलम करे थे। तो ये हमारा क्या आएगा, सेंट्रोइडल एक्सिस को सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, ये 8.25 मीटर। अब हम देखेंगे, लोकेट करेंगे इसको, हमको लोकेट करना है, तो लोकेट करने 8.25 मीटर कहाँ आ रही है, ये तो सेवन हो गई, यहाँ आएगा नहीं, यहाँ पे कहीं मान लेते हैं ये हमारा 8.25, तो ये हमारा हो गया सेंट्रोइडल एक्सिस निकल गया, जो 8.25 मीटर है, किस कॉलम से, AEI के रिस्पेक्ट में लिए थे, तो AEI से 8.25 मीटर के रिस्पेक्ट में हम निकाल दिए। अब हमको निकालना है एक्स वन, तो एक्स वन हम कैसे निकालेंगे, एक्स वन तो सीधे सीधे इस कॉलम से डिस्टेंस यहाँ तक की 8.25 मीटर ही हो जाएगी। अब हमको एक्स टू निकालना है, एक्स टू का मतलब सेकेंड वाले कॉलम से इसकी डिस्टेंस, तो सेकेंड वाले कॉलम से यहाँ तक की डिस्टेंस, मतलब हमको क्या निकालना है, ये डिस्टेंस निकालना है। तो वो डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, जो पूरे डिस्टेंस है ये 3.15 है, ये क्या है हमारा, 7 मीटर है, तो 8 पॉइंट, ये पूरा कितनी है हमारी 8.25, तो 8.25 में से अगर हम ये 7 माइनस कर दिए तो ये डिस्टेंस हमारी आ जाएगी। तो वही क्या करेंगे, 8.25 में से हम क्या करेंगे, 7 माइनस कर देंगे, तो कितनी आ जाएगी, 1.25 मीटर, एक्स टू आ गया। अब एक्स थ्री, एक्स थ्री का मतलब इससे ये डिस्टेंस कितनी है, मतलब हमको क्या निकालना है, ये डिस्टेंस निकालनी है एक्स थ्री, तो वो कैसे हम निकालेंगे। अब हमको क्या, ये टोटल डिस्टेंस पता है हमको कितनी है, सेवन प्लस, तो इससे हमको नहीं मतलब, हमको यहाँ की डिस्टेंस निकालनी है, तो ये है डिस्टेंस हमको पता है और ये टोटल डिस्टेंस हमको पता है, तो 3.5 में से एक्स टू माइनस कर देंगे, 3.5 में से एक्स टू माइनस करेंगे 1.25, तो हमारी डिस्टेंस आ जाएगी एक्स थ्री, वो कितनी आ जाएगी, 2.25 मीटर। अब ऐसे ही हम निकालेंगे एक्स फोर, एक्स फोर का मतलब फोर्थ कॉलम से डिस्टेंस इसकी। ठीक है, तो फाइव हमको पता है पहले से और उसमें एक्स थ्री ऐड कर देंगे, तो फाइव में एक्स थ्री कितना है, 2.25, तो ये कितना हो जाएगा, 7.25 मीटर। अब हमको क्या निकल गया, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स फोर निकल गया। अब हमारा स्टेप सेकेंड आता है, स्टेप सेकेंड में क्या होता है, हमको निकालना है एक्सियल फोर्स निकालना है, एक्सियल फोर्स इन कॉलम। तो पहले हम किस में देखते हैं, फर्स्ट स्टोरी में, फर्स्ट स्टोरी मतलब ये वाला स्टोरी, तो ये स्टोरी को हम क्या मान लेते हैं, फर्स्ट, और ये सेकेंड। तो एक्सियल फोर्स इन कॉलम ऑफ फर्स्ट स्टोरी, फर्स्ट स्टोरी में निकालेंगे। तो अब यहाँ पे हम क्या एज्यूम करेंगे कि जो हमारा एक्सियल फोर्स इन कॉलम ई आई, अब इस कॉलम में जो हमारा एक्सियल फोर्स है वो क्या लग रहा है हमारा, वी वन लग रहा है। तो फर्स्ट स्टोरी में
हम क्या करेंगे, इसको फर्स्ट स्टोरी ले लेते हैं और इसको सेकंड ले लेते हैं। तो एक्सियल फोर्स इन कॉलम ई आई में क्या हम करेंगे, वी वन को हम क्या मान लेते हैं, वी मान लेंगे। तो ये जो वी वन लग रहा है यहाँ पे, इसको हम क्या एज्यूम कर लिए, वी एज्यूम कर लिए। अब हमारा सेकेंड इसका एक एजम्पशन ये होता है कि जो हमारा इस पर डायरेक्ट स्ट्रेस लग रहा है किसकी वजह से, हॉरिजॉन्टल लोडिंग की वजह से, वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, जो हमारा इसमें क्या लग रहा है, सेंट्रोइडल एक्सिस, इसके क्या होगा, हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो हमारा हो जाएगा इसे वी वन अपॉन ए वन, ये हो गया हमारा स्ट्रेस, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किस पे, ठीक है, वी वन अपॉन ए वन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना है उसके डिस्टेंस से, तो डिस्टेंस कितनी है इसकी, एक्स वन, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा एक्स वन, लेकिन वो क्या आ जाएगा, हमारा डिवाइड में आ जाएगा, और एरिया क्या है इसकी, इक्वल है, तो इसको हम क्या ले लेंगे, वी वन अपॉन एक्स वन। तो सारी एरिया इक्वल होने की वजह से क्या हो जाएगा, वी वन अपॉन एक्स वन इज इक्वल टू वी टू अपॉन एक्स टू इज इक्वल टू वी थ्री अपॉन एक्स थ्री इज इक्वल टू वी फोर अपॉन एक्स फोर। तो ये हमारी कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे आगे, सारे वी वन वी टू वी थ्री वी फोर निकालेंगे, तो हम ये कंडीशन हो गई। अब हम क्या करेंगे, किसी एक को लेंगे, तो वी वन को हम वी एज्यूम किए थे, तो वी लिख सकते हैं एस वन इज इक्वल टू वी टू अपॉन एक्स टू, ठीक। अब हमको क्या निकालना है, वी टू के रेस्पेक्ट में निकालते हैं, तो वी टू क्या हो जाएगा, वी इंटू एक्स टू अपॉन एक्स वन। अब हमको वी तो पता नहीं है, ठीक, एक्स टू कितना आया था हमारा, एक्स टू हमारा आया था, एक्स टू मतलब ये डिस्टेंस, ठीक है, तो एक्स टू हमारी आई थी 1.25, और एक्स वन हमारा कितना था, 8.25 इंटू वी, तो ये आ जाएगा 0.1515 वी। अब एक बात आपको बताना भूल गए, अगर ये जहाँ से ये सेंट्रोइडल एक्सिस आता है, ठीक है, तो ये क्या किया, हमारा दो कॉलम को डिवाइड कर दिया, दो कॉलम इस साइड दो कॉलम इस साइड। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो फोर्स लगाते हैं, ठीक, जैसे अगर हम इस दोनों को अपवर्ड ले रहे हैं तो ये क्या करेगा, डाउनवर्ड ऐड करेगा, हमेशा इक्वल होना चाहिए। अगर यहाँ पे तीन ही होता, मतलब ये कॉलम अगर नहीं होता, तो एक ऊपर लगता दो नीचे लगता, या एक नीचे लगता दो ऊपर लगता, तो दोनों जो डिवाइड करता है वो क्या करता है, वो डिवाइड करता है टोटल। तो ये हमारा जो फोर्स है, ये अगर हम इसको हम डाउनवर्ड मान लिए वी को, तो ये भी क्या होगा, डाउनवर्ड होगा, ये क्या हो जाएगा, अपवर्ड हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, अपवर्ड हो जाएगा, ठीक। तो ये क्लियर हो गया। अब हम वी टू क्या है हमारा, डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड ले लेते हैं। अब इसी तरह हम वी थ्री निकालेंगे, वी बाई एक्स वन को कंपेयर कर देंगे किससे, वी थ्री बाई एक्स थ्री से, तो वी थ्री यहाँ से निकाल देंगे, तो वी थ्री कितना आ जाएगा, 0.2727 वी। सबको वी के रिस्पेक्ट में निकालना है, ठीक है, ये डायरेक्शन कैसा है इसका, अपवर्ड है। वैसे ही हम वी फोर भी निकाल देंगे, तो वी फोर हमारा कितना आ जाएगा, 0.8788 वी, ये भी क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में। अब हम सबको क्या किए, वी के रिस्पेक्ट में ला दिए। अब हम क्या करेंगे, मोमेंट लेंगे, मोमेंट किसके अबाउट लेंगे, कॉन्ट्रा फ्लेक्सर पॉइंट। अब वो हम बताते हैं कि इस ये सेकेंड एजम्पशन हमारा है। अब हमको जो हमारा सेकेंड एक्सेप्शन क्या होता है, कि कॉन्ट्रा फ्लेक्सर पॉइंट जो होता है यहाँ पे इसमें, वो क्या एक्ट करता है, कहाँ एक्ट करता है, मेंबर्स के मिड पॉइंट पे, ठीक, हर मेंबर्स के किसके, मिड पॉइंट पे एक्ट करता है। तो मिड पॉइंट हमारा कहाँ आएगा, हर मेंबर के मिड पॉइंट पे, तो मान ली हमारा यहाँ एक मिड पॉइंट है, ठीक, एन। तो अब ये सेकेंड हमारा एजम्पशन था, तो हम क्या करेंगे, मोमेंट लेंगे इसके अबाउट हम क्या करेंगे, मोमेंट लेंगे, तो टेकिंग मोमेंट अबाउट, मोमेंट अबाउट पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर, ठीक, ऑफ लोअर कॉलम के लिए निकाल रहे हैं तो लोअर कॉलम, ठीक, तो लोअर कॉलम में निकाल रहे हैं, तो एन के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं, तो कौन कौन सा यहाँ पे फोर्स ऐड करेगा, एक तो 120 लग रहा है, ठीक है, तो 120 जो लग रहा है, और ये भी डिस्टेंस देखेंगे कितनी है, ठीक है, तो इसकी जो डिस्टेंस थी
हमारी 3.5 मीटर थी, तो ये डिस्टेंस हमारी कितनी थी 3.5, और ये भी 3.5, तो ये कितनी हो जाएगी 1.75, हाफ पे लग रहा है, तो ये 1.75 हो जाएगी, ये 3.5। तो अब हम ये फोर्स लग रहा है एक 120 का। अब 120 से डिस्टेंस कितनी है यहाँ की, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है मोमेंट, तो 3.5 और 1.75, तो ये कितना हो जाएगा 5.25। अब एक फोर्स ये हो गया, दूसरा फोर्स 180 भी लग रहा है, तो ये डिस्टेंस पे कितने लग रहा है 1.75 पे लग रहा है, ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल फोर्स। अब हम ये जो वर्टिकल फोर्स लग रहा है इसका समेशन करेंगे, तो अब हम क्या करेंगे, वी कितना लग रहा है डाउनवर्ड में लग रहा है, ठीक है, और इसके क्या लग रहा है एंटी क्लॉक वाइज, ये क्लॉक वाइज लग रहा था इसलिए पॉजिटिव में, और ये एंटी क्लॉक वाइज लग रहा है वी, इस फोर्स से एंटी क्लॉक वाइज लग रहा है, तो ये हमारी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी माइनस वी इंटू, ये डिस्टेंस टोटल कितनी हो जाएगी 7.5, 12, 15.5। अब ये भी हमारा डाउनवर्ड में लग रहा है तो ये एंटी क्लॉक वाइज ये भी होगा, ये माइनस कितना हो जाएगा, अब v2 की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे 0.1515 v, जो हम निकाले थे अभी, इनटू ये डिस्टेंस कितनी हो गई हमारी 8.5, ठीक। अब ये हमारा क्लॉकवाइज होगा तो ये प्लस हो जाएगा, v3 की वैल्यू अब हमारी क्या पुट हो जाएगी, v3 की वैल्यू पुट हो जाएगी 0.2727 v, और डिस्टेंस कितनी है इनटू 5। v4 भी होगा तो v4 डिस्टेंस क्या हो जाएगा उसकी 0, तो ये हो गया हमारा 0। अब सब किस में किसके टर्म में आ गए हैं, v के टर्म में आ गए हैं, अब यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे v निकाल लेंगे, तो हमारा v कितना आ जाएगा 61.24 किलो न्यूटन डाउनवर्ड में, डाउनवर्ड है तो ये क्या हो गया डाउनवर्ड में। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, v निकल गया तो v2 निकाल देंगे, 0.1515 v था तो v क्या है हमारा 61.24, जिसको निकालेंगे तो आ जाएगा 9.28 किलो न्यूटन, जो क्या है डाउनवर्ड में ही है। ऐसे ही v3 निकाल लेंगे, v3 आ जाएगा हमारा 16.7 किलो न्यूटन, वो क्या हो जाएगा अपवर्ड में, और v4 निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा हमारा 53.82 किलो न्यूटन अपवर्ड में। तो हमारा v1 v2 v3 v4 सब आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, समेशन कर देंगे, समेशन ऑफ v, तो सारों का समेशन करेंगे 61.24 प्लस 9.28 प्लस 16.7 प्लस 53.82, तो ये टोटल आ जाएगा हमारा 0। अब 0 क्यों आएगा, माइनस है अपवर्ड है, ये प्लस है ये प्लस है, तो ये जो डाउनवर्ड है उसको क्या करेंगे हम माइनस कर देंगे और ये प्लस, तो ये हमारा प्लस, इसका मतलब हमारा जो कैलकुलेशन क्या है वो सही है। तो दो डाउनवर्ड दो अपवर्ड, तो माइनस प्लस क्या होगा 0 हो जाएगा, तो ये हमारा चेक कर रहे थे, जो चेक करने पे क्या आ गया हमारा 0, मतलब ओके है। अब हम आते हैं सेकेंड फ्लोर के लिए, तो अब हम थर्ड स्टेप पे आते हैं, एक्सियल फोर्स इन कॉलम ऑफ सेकेंड स्टोरी। फर्स्ट स्टोरी में निकल गया v1 v2 v3 v4, अब हम सेकेंड स्टोरी में, हम अब सेकेंड स्टोरी में हम क्या एज्यूम कर लेंगे, सबको v यहाँ पे एज्यूम किया, वहाँ पे हम v डैश एज्यूम कर लेंगे, v-1 v-2 v-3 v-4। तो इसमें जब हम कॉलम में जब निकालेंगे, तो इसमें भी जब हम निकालेंगे हमारा जो फार्मूला था, जो v1 upon x1 = v2 upon x2, सेम इसमें भी वैसे प्रोसीजर फॉलो होगा, और उससे हम क्या निकालेंगे v1 डैश, मतलब v डैश ये होगा हमारा एक्सियल फोर्स इन कॉलम ए में। इसी तरह v2 डैश जब निकालेंगे तो जो हमारा उसमें आया था सेम इसमें भी आएगा, ठीक। v3 भी इसी तरह आ जाएगा हमारा 0.2727 v डैश, v4 आ जाएगा हमारा 0.8788, ठीक है, हमारा आ गया v1 v2 v3 v4। अब हमको सेम क्या करना है, मोमेंट लिखना है, किसके अबाउट लेना है, अब फिर कॉन्टा पॉइंट ऑफ कॉन्टा फ्लेक्स है, अब यहाँ पे लिए थे क्योंकि हम इस स्टोरी की बात कर रहे थे, अब हम इस स्टोरी की बात कर रहे हैं, तो हम क्या लेंगे यहाँ पे मिड पॉइंट पे m पॉइंट ले लेंगे, ठीक है। अब इसके मोमेंट अबाउट टेकिंग
मोमेंट अबाउट एम बोल सकते हैं, या पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लिक्ट सर। अब उसके अबाउट लेंगे तो हमारा 120 आएगा, ये इंटू 1.75 होगा, 180 अब इसमें नहीं आएगा, ठीक है, जो ऊपर की बात कर रहे हैं तो उसमें 180 नहीं आएगा। अब हम क्या करेंगे, माइनस वी डैश आएगा, यहाँ पे वी डैश लग रहा है, जैसे यहाँ पे वी डैश है, यहाँ पे वी टू डैश है, यहाँ पे वी थ्री डैश है, और यहाँ पे वी फोर डैश है। अब वी वन डैश से डिस्टेंस कितनी है हमारी, 15.5 है, ऐसे ही 0.1515 वी वन डैश की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 8.5 हो जाएगी, फिर प्लस में 0.2727 वी डैश की वैल्यू, वी डैश इंटू इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, हमारा वी फोर ज़ीरो हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, वी डैश निकाल लेंगे, या वी वन डैश भी कह सकते हैं। वी डैश हमारा कितना आ जाएगा यहाँ से, 13.61 किलो न्यूटन, ठीक, और ये हमारा कितना आ जाएगा, डाउनवर्ड। अब ऐसे ही सबकी वैल्यू वी डैश की वैल्यू सब में पुट करेंगे तो वी टू डैश आ जाएगा, वी थ्री डैश आ जाएगा, और वी फोर डैश आ जाएगा। तो वी टू डैश कितना आ जाएगा हमारा, 2.06 किलो न्यूटन, जो कि डाउनवर्ड में ही लग रहा है। ये आ जाएगा हमारा 3.71 किलो न्यूटन, ये अपवर्ड में लग रहा है, और ये आ जाएगा 11.96 किलो न्यूटन, जो अपवर्ड में। इसको भी चेक करेंगे, सबको प्लस करेंगे, वो क्या आ जाएगा हमारा, 0, जो ओके हो जाएगा, ठीक है। इसको प्लस करके आप देख सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, फोर स्टेप में शीयर निकालेंगे एट एंड ऑफ बीम, मतलब हर जॉइंट पे क्या निकालना है, हमको फोर्स निकालना है, शीयर निकालना है। तो अब सबसे पहले हम क्या मान एज्यूम कर लेंगे कि जो डाउनवर्ड फोर्स होता है वो क्या होता है, क्या लेंगे हम, निगेटिव लेंगे, ठीक है। तो अब हम आते हैं जॉइंट ई पे, जॉइंट ई लेते हैं। तो जॉइंट ई पे जो है, इस जॉइंट पे हमारा वी वन डैश लग रहा है और वी लग रहा है, तो वी वन डैश माइनस V, तो V1 डैश हमारा कितना था, 13.61, V क्या हो जाएगा हमारा, माइनस 61.24, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, फोर माइनस में 47.63 किलो न्यूटन। अब हम जब नेक्स्ट ज्वाइंट लेंगे, ज्वाइंट F, तो ज्वाइंट F में क्या होगा, ज्वाइंट E का भी शेयर क्या होगा, ऐड हो जाएगा, तो माइनस पहले क्या लिखेंगे, माइनस 47.63, ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्लस वी टू डैश माइनस वी टू, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 47.63 प्लस वी टू डैश कितना था हमारा, 2.06 माइनस 9.28, तो ये आ जाएगा हमारा माइनस 54.28 किलो न्यूटन। अब जब जॉइंट नेक्स्ट जॉइंट लेंगे जी, जॉइंट जी में फिर क्या हो जाएगा, ये पूरा ऐड हो जाएगा, माइनस 54.28, ये हमारा आया है 54.85, ठीक, 54.85 लिए। अब 54.85 में हमारा, अब क्या करेंगे, हमारा जो फोर्स क्या हो गया, अपोजिट हो गया, अभी तक डाउनवर्ड था, अब क्या होगा, अपवर्ड, तो क्या करेंगे हम, माइनस हो जाएगा, अब 3.71 ये हो जाएगा, प्लस हमारा 60.7, तो ये आ जाएगा हमारा कितना, माइनस 41.86 किलो न्यूटन। अब नेक्स्ट जॉइंट पे हम आएंगे, अब आ जाएंगे हम सेकेंड स्टोरी पे, तो जॉइंट हम ले लेंगे कौन सा, ए जॉइंट लेंगे। ए जॉइंट पे क्या हमारा, वी वन डैश सिर्फ लग रहा है, वी वन डैश, तो वी वन डैश हमारा वी डैश के इक्वल था, और वो कितना आया था, डाउनवर्ड फोर्स है, तो माइनस 13.61 किलो न्यूटन। फिर नेक्स्ट जॉइंट पे आ जाएंगे हम, जॉइंट बी पे, तो ये ऐड हो जाएगा उसमें, माइनस 13.61, ठीक, और उसमें क्या ऐड होगा, माइनस 2.06 जो क्या था, वी टू डैश, तो वी टू डैश माइनस होगा क्योंकि डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड हमको क्या लेना है, निगेटिव, तो ये आ जाएगा हमारा माइनस 15.67
किलो न्यूटन। अब हमारा लास्ट जॉइंट क्या है, हमारा जॉइंट सी। अब जॉइंट सी लेंगे तो इसमें फिर ये ऐड हो जाएगा हमारा पूरा -15.67, और जो हमारा नेक्स्ट था क्या है वो अपवर्ड है तो प्लस हो जाएगा वो 3.71, तो ये आ जाएगा -11.96 किलोमीटर। अब हर ज्वाइंट का क्या निकल गया हमको, शेयर निकल गया। अब हमको फाइनल क्या निकालना है, मोमेंट, जो हमको हर क्वेश्चन में निकालना होता है, तो वो मोमेंट एट द एंड ऑफ बीम हम निकालेंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो अब हम निकालते हैं मोमेंट एट द एंड ऑफ बीम, ये हमारा क्या है फिफ्थ स्टेप है। तो मोमेंट एट द एंड ऑफ बीम निकालेंगे तो पहले भी हम किस पे आते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं। तो फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं तो क्या हमारा ई एफ, ठीक, बीम पे निकालना है। तो मोमेंट ई एफ क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा किसके, मोमेंट ऑफ एफ ई के इक्वल होगा। अब हमको कॉमन क्या है इसमें, एफ ई, एफ ई ज्वाइंट लेंगे ये वाला ज्वाइंट। तो ये ज्वाइंट क्या है हमारा, एफ ई इंटू इसकी लेंथ, ठीक, लेंथ बाई टू। तो ये किससे क्या आ जाएगा हमारा, मोमेंट आ जाएगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो एफ ई हमारा कितना आया था, एफ ई आया था हमारा 47.63 आया था, इंटू लेंथ कितनी है इसकी हमारी, सेवन है, 7/2, तो ये आ जाएगी 166.7 किलो न्यूटन मीटर। ये आ जाएगा हमारा मोमेंट ई एफ और एफ ई। अब ऐसे ही क्या करेंगे, एफ जी और जी एफ निकाल लेंगे। जो हमारा शियर आया था जॉइंट एफ पे इंटू डिवाइडेड बाई टू डिस्टेंस का, तो ये आ जाएगा हमारा, आया था 54.85, और डिस्टेंस कितनी, 3/5/2, तो ये आ जाएगा हमारा 96 किलो न्यूटन मीटर। अब ऐसे ही एम जी एच इज इक्वल टू एम एच जी, तो एफ जी जो निकाले थे अपॉन L3/2, तो एफ जी हमारा कितना आया था, 41.86 आया था, इसमें इंटू कर देंगे डिस्टेंस कितनी है हमारी 5/2 से, तो ये आ जाएगा हमारा 104.65 किलो न्यूटन मीटर। तो ये तीनों हमारा मोमेंट छः आ गया, ठीक है। अब हमको नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, अब आते हैं हम सेकेंड फ्लोर के, सेकेंड फ्लोर पे आएंगे तो क्या है हमारा ए बी, तो एम ए बी इज इक्वल टू एम बी ए, तो वो क्या हो जाएगा हमारा फोर्स ए शियर L1/2 कर देंगे। ए हमारा आया था 13.61 इंटू 7/2, तो कितना आ जाएगा 47.64 किलो न्यूटन मीटर। वैसे ही हम निकालेंगे एम बी सी इज इक्वल टू एम सी बी, तो क्या आ जाएगा फोर्स ऑफ बी इंटू L2/2, तो ये हमारा फोर्स बी कितना आया था, 15.67 आया था, और डिस्टेंस कितनी है हमारी, 3/5/2, तो ये आ जाएगा हमारा 27.42 किलो न्यूटन मीटर। अब हमारा लास्ट मोमेंट क्या बचा, एम सी डी इज इक्वल टू एम डी सी, तो ये हो जाएगा हमारा एफ सी इंटू L3/2, एफ सी हमारा आया था 11.96 इंटू L3/5/2, ये जाएगा 29.9 किलो न्यूटन मीटर। तो ये हमारा टोटल क्या आ गया, मोमेंट आ गया। अब ये था हमारा फाइनल मोमेंट जो हमको निकालना था कैंटिलीवर मेथड्स के उससे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें अगर नहीं किए हैं अभी तक, और लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।